नमस्कार, स्टेट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ उपमा शर्मा। इस समय सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसका बोझ आम लोगों की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। टमाटर ने ये कहूँ कि डबल सेंचुरी मार ली है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस समय टमाटर बाहर मार्केट में आपको 200 रुपए प्रति किलो मिलेगा और इस समय हम नरवाल मंडी में मौजूद है, जहाँ पर 150 रुपए प्रति किलो टमाटर बिक रहा है। और सिर्फ टमाटर ही नहीं, इस समय बाकी सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिसने आम लोगों का जीना दूभर कर दिया है। आम लोग इस समय बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ टमाटर, जैसे कि मैंने कहा कि अब डबल सेंचुरी टमाटर की हो गई है, और वहीं दूसरी तरफ बाकी जो सब्जियां हैं उनके दाम भी आसमान छू रहे हैं। इस समय हम मौजूद है नरवाल मंडी में, नरवाल मंडी जहां पर सब्जी थोड़ी सी सस्ती मिलती है, और इस समय जब इतने ज्यादा दाम सब्जियों के बढ़ रहे हैं तो लोग यहाँ का रुख कर रहे हैं। कुछ खरीदार इस समय यहाँ पर हैं जो सब्जी खरीदने आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, टमाटर इस समय इतने महंगे मिल रहे हैं? टमाटर जो है पेट्रोल से भी ज्यादा महंगे हैं इस समय, और आज आम आदमी को बड़ा मुश्किल हो रहा है कि खरीदारी करनी। और टमाटर हर सब्जी महंगी है, हर सब्जी महंगी है, और आम आदमी के जेब का जो बजट बिगड़ा हुआ है जी, क्या कर सकते हैं। आम आदमी बहुत परेशान है इस पर। क्या क्या अपील प्रशासन से करना चाहेगा? प्रशासन से करेंगे, इसका कुछ करो। टमाटर की थोड़ी सी बाढ़ आती है तो हर चीज महंगी हो जाती है। ये कौन सा तरीका है कि आम आदमी जो है इस टाइम बजट से बाहर है, वैसे ही महंगाई इतनी है, दालें महंगी हैं, हर चीज़ महंगी है, लेकिन एक टमाटर ही सस्ते थे, वो भी इतने महंगे हैं कि कुछ कह नहीं सकते। टमाटर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं और लगभग हर सब्जी में पड़ते हैं। कुछ और लोग भी यहाँ पर हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, इस समय सब्जियों के दाम आसमान छू गए हैं? चलो, काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और खरीदारी कर रहे हैं। जैसे कि टमाटर के भाव हम यहाँ पर जानना चाहेंगे, कितने रुपए किलो टमाटर इस समय बिक रहा है? 150 रुपए केजी। और कितने लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं? लोग तो बहुत आते हैं इधर, कुछ ऐसे चले जाते हैं, कुछ खरीद लेते हैं। ज्यादातर लोग इस समय टमाटर को अवॉइड कर रहे हैं, दही ने टमाटर की जगह ले ली, आमचूर ने टमाटर की जगह ले ली, तो आपकी बिक्री कैसी हो रही है टमाटर? टमाटर कम आ रहा है इसलिए बिक्री हो रही है, अगर ज्यादा आता तो नहीं होती थी। अच्छा, बिक्री हो रही है। अच्छा, बाकी सब्जियों के इस समय क्या रेट चल रहे हैं? जैसे ये खीरा यहाँ पे है, ये इस समय कितने रुपए किलो मिल रहा है? और बिशन दास खीरा के बाबे चाहिए इसको, वो खीरे के लिए। चलिए, और बाकी सब्जियों के दाम भी यहाँ पर पता करते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ खरीदार यहाँ पर पहुँचे हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, इस समय आम लोगों का बजट डगमगा गया है क्योंकि सब्जियों के दाम बहुत ज्यादा है? जी मैडम, सब्जी के दाम तो ज्यादा है, मतलब फसल के लिहाज से देखा जाए तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारों के पास फसल ही नहीं है, तो इस हिसाब से इसीलिए ये ज्यादा दाम हुए हैं, बाकी कोई। लेकिन आम लोग इस समय बहुत ज्यादा परेशान हैं। आम लोग तो परेशान होगा ही मैडम, क्योंकि दाम तो बहुत तेज है। अब जैसे टमाटर 200 रुपए किलो बाहर बिक रहा है, मंडी में 130-120 रुपए बिक रहा है, तो परेशान तो होंगे। कुछ और लोगों से भी बात करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे, क्योंकि लोगों पर इसका बहुत असर पड़ा है। जाहिर सी बात है कि बजट डगमगा जाता है, जैसे कि मैंने कहा कि टमाटर हर सब्जी में इस्तेमाल होता है, लेकिन सिर्फ टमाटर ही नहीं, बाकी जो सब्जियां हैं उनके भी दाम इस समय बढ़े हुए हैं। क्या दाम इस समय बाकी सब्जियों के चल रही है, ये भी आपको अब बताते हैं। लेकिन इससे पहले ये ज़रूर बता दें कि आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कितनी परेशानी हो रही है, और क्या अभी तक आप अपनी सब्जी में टमाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जिस तरह से इस समय मीम्स जोक्स भी इसको लेकर बन रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि टमाटर लेने के लिए गार्ड लेके जाओ, या जो टमाटर इस्तेमाल कर रहा है वो इस समय बहुत ज़्यादा अमीर है, इस तरह के मीम्स और जोक्स भी बन रहे हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, जो लोग हैं वो इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप इससे जानना चाहोगे, खीरा इस समय कितने रुपये किलो मिलता है? 50 रुपये के जी। और भिंडी 40, और बंद गोभी 20 रुपये किलो। घिया 50 रुपये किलो। घिया 50 रुपए किलो। ये घिया जो 10 रुपए किलो मिलता था, आज 50 था ना, तब 10 था, 5 रुपए किलो भी था, 2 रुपए किलो भी था, और महंगा अब क्या करेंगे। इस समय सबसे ज्यादा महंगी कौन सी सब्जी बिक रही है? टमाटर के अलावा मटर। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, आप विक्रेता
है और टमाटर इस समय इतना महंगा बिक रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? फसल कम है पीछे से इसीलिए महंगा। आप बजट आम लोगों का जो है वो इससे डगमगा गया है इस टाइम तो बजट उधर बिल्कुल बोलना कुछ नहीं मिलेगा हमको, थोड़ा मार्जिन अच्छा होगा पैसा मिलेगा, इस टाइम बच्चों को बोलोगे ना कुछ नहीं मिलेगा इस टाइम। चलिए कुछ और यहाँ पे विक्रेता भी आए हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे, आपसे जानना चाहूंगी क्या कहना चाहेंगे इस समय सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और लोग बहुत परेशान हैं। नहीं देखिए पंजाब में बहुत बारिश हो रहा है, बाढ़ आ रही है बाहर भी, तो गाड़ियों को आने को दिक्कत है, जो जमींदार हैं जहाँ जो सब्जी सब्जी लगाते हैं सभी को दिक्कत है, उसी हिसाब से इधर माल कम आ रहा है, तो माल कम आने से आप यहाँ पे माल सप्लाई करने आते हैं? हम लेने आते हैं। कहाँ से आए हैं? हम विजयपुर से आए हैं। विजयपुर से आए तो इस समय क्या कहना चाहेंगे, क्या एक अपील प्रशासन से करना चाहेंगे? बस यही कहेंगे कि थोड़ा टैक्स टू से गाड़ियों को थोड़ा माफ करें, पब्लिक को तो रेट थोड़ा कम मिल जाए, तो बस यही है। चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर ये कहना चाहूंगी कि आम जन इस समय बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि सब्जी के बिना तो गुजारा कर पाना मुश्किल है और अब सब्जियां भी इतनी ज्यादा महंगी हो गई हैं कि आम लोगों के जेब पर इसका असर देखने को मिल रहा है और खास तौर से जो महिलाएं होती हैं उन्हें घर संभालना होता है और इतनी महंगाई में महिलाएं कैसे घर संभालती है। क्या कहना चाहेंगी इस समय टमाटर के दाम बहुत ज्यादा है, सब्जियां भी बहुत ज्यादा महंगी हो रही है, कुछ महिलाएं यहाँ पर है घर संभालने में व्यस्त है लेकिन बात नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं। देखिए इस समय ये टमाटर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि टमाटर अब देखने को बहुत कम मिलता है और कुछ लोगों की किचन से तो टमाटर गायब ही हो गया है लेकिन कुछ लोग अभी भी टमाटर खरीद रहे हैं और यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं टमाटर की, और ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर हैं। क्या कहना चाहेंगे इस समय सब्जियों के दाम बहुत ज्यादा हो गए हैं और आम लोग परेशान हैं? हमारे भंडारे के लिए सामान कुछ ले रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए रेट तो थोड़ा हाई है, तो आलू हमारा ये और किया एकादशी का फल लेके जा रहे हैं। इस समय सभी सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील प्रशासन से करना चाहेंगे? प्रशासन से हम यही कहेंगे कि थोड़ा सा इनमें नियंत्रण रखें रेट पे ताकि आम लोग जो है वो सफर न करें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने कहा कि आम लोग इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि सब्जी के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं और ये तस्वीरें इस समय हम आपको जम्मू की सबसे व्यस्त मंडी नरवाल मंडी से दिखा रहे हैं जहां पर काफ़ी तादाद में सुबह सुबह दूर दूर से लोग आते हैं और यहां से सब्जियां खरीदते हैं लेकिन इस समय जैसे कि मैंने कहा सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं। वहीं आपको दिखा दें ये समय हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये टमाटर जो अब आपको बहुत कम देखने को मिल रहा है ये टमाटर की तस्वीरें इस समय हम आपको नरवाल मंडी से दिखा रहे हैं कि टमाटर इस समय बाहर से यहाँ पर आया हुआ है, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर 150 रुपये प्रति किलो टमाटर बिक रहा है और वहीं मंडी के बाहर की अगर बात करें तो इस समय टमाटर 200 रुपये किलो, 240 रुपये किलो, 180 रुपये किलो, इस तरह के अलग अलग रेट्स जो है वो टमाटर के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग टमाटर खरीदने यहाँ पर आए हुए हैं और टमाटर खरीद रहे हैं। अगर टमाटर खरीदने आए इतने महंगे टमाटर मिल रहे हैं क्या कहना चाहेंगे? कोई नहीं बात, फिर भी खाने तो आएंगे ना टमाटर, फिर भी खाने हैं। इस समय कितने कितने रुपए किलो टमाटर आप बेच रहे हैं? इस समय पहले 150 रुपये बेच रहे हैं, 140-150 रुपये। अच्छा अंकल, आम लोगों के जेब पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कोई बात नहीं, जो महंगे हैं तो महंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना, अगर मार्केट में नहीं है माल तो महंगा ही मिलेगा ना, फिर सस्ता कहाँ से मिलेगा? माल कम है, माल खत्म हो गया, ये सस्ता वाला भी है, 120 वाला भी है, मंडी में हर चीज मिलेगी, सस्ती महंगी मिलेगी। चलिए तो यहाँ पर आपको दिखा दें जैसे कि मैंने कहा कि टमाटर हर सब्जी में इस्तेमाल होते हैं और कुछ लोग टमाटर के बिना खाना नहीं खा सकते, तो चाहे जितने मर्जी दाम हो जाए टमाटर खरीदना ही है यहाँ पर। उन्होंने कहा कि यहाँ पर टमाटर ये दो तरह के बेच रहे हैं, एक सस्ता वाला टमाटर है जो 120 रुपये किलो मिल रहा है और एक महंगा वाला टमाटर है। कुछ महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगी? टमाटर इस समय बहुत महंगा हो गया। हाँ टमाटर बहुत महंगा, घर में चलाना ही मुश्किल हो रहा है। और
बाकी सब्जियों के दाम भी इस समय बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगी, क्या अपील प्रशासन से करना चाहेंगी? हम बोलते थोड़ा सा सस्ता हो जाए, मैगी महंगा हो रहा, क्या करें क्या खाएं। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। एक और माता जी यहाँ पर हमारे साथ है। माता जी, इस समय टमाटर बहुत महंगा है, बाकी सब्जियाँ बहुत महंगी है, क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहूंगी कि मतलब अपना गवर्नमेंट ना मतलब ये कर दे कि थोड़ा रेट मतलब कम कर दे। हम गरीब लोग हैं, हम आते हैं इधर मंडी से, कोई सब्जी मिलती नहीं है, सब सब्जियां महंगी है, गरीब लोग नहीं खा सकते जी। हाँ, रेट मतलब कम होना चाहिए। बहुत 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 शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो लोग यही अपील प्रशासन से कर रहे हैं कि कोई ना कोई अल्टरनेट निकाला जाए और जो सब्जियों के दाम है उन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखा जाए ताकि आम लोगों की जेब पर ज्यादा असर ना पड़े। जैसे मैंने आपको कहा कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप अभी तक सब्जी में टमाटर इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कोई और अल्टरनेट आपने टमाटर का निकाला है। अगर ऐसा कोई अल्टरनेट निकाला है तो हमारे दर्शकों के साथ कमेंट करके जरूर उसे साझा कीजिए। ये तस्वीरें हम आपको बेशकीमती टमाटरों की दिखा रहे हैं जो इस समय नरवाल मंडी में बिक रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि ये टमाटर ये टमाटर जो है इस समय 150 रुपए 120 रुपए किलो यहाँ पर मिल रहा है। टमाटर का है, इन दिनों में क्या होता है कि फसल कम होती है, वो भी टाइम होता है जब 10 रुपए किलो कोई नहीं उठाता। आज हर स्टेट के अंदर फ्लड आया हुआ है, उसकी वजह से टमाटर में क्राइसिस है। जब फसल कम होगी तो रेट अपने आप ही ज्यादा होंगे, तो इसमें कोई वो नहीं है कि टमाटर 150 रुपए किलो हो गए, ये कम भी आएंगे और 10 दिन के बाद पहाड़ की फसल चलेगी, 20 रुपए किलो भी आएंगे। इसमें हाहाकार करने की कोई जरूरत नहीं है। किसान को भी कम से कम किसान को भी कुछ मिलना चाहिए। अगर किसान सारा साल मेहनत करता है, अगर उसकी सब्जी आज तेज है तो कल उसकी डाउन भी तो होनी है, कल 5 रुपए किलो भी तो होनी है, कल ऐसा भी आएगा टाइम कि जो खेत से बाहर भी फेंकेंगे तब लेने वाला बिक्री करने वाला कुछ लोगों का गुजर बसर नहीं हो पाता, कुछ लोगों की दिहाड़ी 100 रुपए 150 रुपए होता है तो उसके लिए मुश्किल। उसमें थोड़ा सा आपको एक महीना क्राइसिस तो आता है, कभी प्याज भी 100 रुपए किलो चल जाता, आज प्याज भी 18 रुपए किलो बिक रहा है, आज प्याज भी तो 18 रुपए किलो बिक रहा है। ऐसा ही हाल है टमाटरों का, टमाटर की फसल कम है। नासिक में फ्लड आया हुआ है, सिलीगुड़ी में फ्लड आया हुआ है, गुजरात फ्लड है, सारी जगह पानी पानी है, फसल आएगी कहाँ से? ठीक है ना, फसल किसान लाएगा तो आएगी ना, अगर क्राइसिस कम फसल होगी तो रेट ज्यादा होगा, क्योंकि आस्ता आस्ता तो उसके जब फसल ज्यादा होगी तो उठाने वाला भी कोई नहीं होता, तब वो भी टाइम आता जब टमाटर 10 रुपए किलो भी नहीं उठाता कोई, आज 150 रुपए किलो है या 120 रुपए किलो है, तो थोड़ा तो हाहाकार हो गया। अभी पहाड़ की फसल आएगी, आप देखो सारा कुद बटोर चनैनी के सारे टमाटर आता था, सारा सस्ता होता था। काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अलग अलग विचार लोगों के हैं। जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो भी हो जाए टमाटर उन्हें खरीदने ही है, और वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस समय जिस तरह से अलग अलग राज्यों में फ्लड की सिचुएशन बनी हुई है और फसल काफी ज्यादा तबाह हो गई है, इसी के चलते टमाटर और बाकी जो सब्जियां हैं वो महंगी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिन लोगों की दिहाड़ी, जिन लोगों की कमाई ही 100-150 रुपया है, वो आखिरकार किस तरह से अपना गुजर बसर करेंगे, किस तरह से अपने दिन निकालेंगे? तो लोगों की यही अपील प्रशासन से है कि किसी भी तरह जल्द से जल्द कोई अल्टरनेट निकाला जाए और ये जो बढ़ते दाम है इन पर नियंत्रण पाया जाए ताकि जो आम लोगों की परेशानी है वो खत्म हो सके। तो इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट शिल्पा ठाकुर के साथ मुझे दीजिए इजाजत और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।